मेरा नाम है पीएच बख्शी। मैं यहाँ श्रद्धा इनमें 2 साल से जनरल मैनेजर की हैसियत से हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए मैं करीब 6-7 कंट्री में घूम के आया हूँ, तो उसी हिसाब से हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री से मेरे 2 साल का नाता है। मेरा नाम राहुल कुलश्रेष्ठ है और मैं सनसन होटल में रेजिडेंट मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। लगभग 6 साल से मेरे को यहाँ पे काम करते हो गया है डिफरेंट यूनिट्स में, सनसन होटल्स की गोवा यूनिट और शिरडी यूनिट में। लगभग 15 ईयर्स से मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बड़ी यूनिक इंडस्ट्री है और बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर अगर राइट पर्सन जाता है, डेडिकेशन से काम करता है, तो उनके लिए जैसे बोलते हैं स्काई इज लिमिट, ऐसा इसके अंदर है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि डे टू डे नए गेस्ट आते, नया प्रॉब्लम होता है, नया सॉल्यूशन होता है, कि अगर आदमी इंटरेस्ट से काम करेगा तो स्टीवर्ड से बन के जीएम तक जा सकता है, ओनर भी बन सकता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अभी जहाँ तक ग्रोइंग का सवाल है, तो अभी मार्केट में इतना डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ भारत, मतलब ऑल स्टेट की गवर्नमेंट टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनली भी टूरिज्म को डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले 10 साल तक 100% इसका ग्रो है। और जब इंडस्ट्री का ग्रो है तो नेचुरली स्टाफ का ग्रो होगा, बिजनेस का ग्रो होगा। तो जहाँ तक अपॉर्चुनिटी का सवाल है स्टाफ के लिए, वो भी बहुत ज्यादा है, यू कैन से अनलिमिटेड। हर एक होटलों में आप देखेंगे तो पोजीशंस नई नई इम्प्रूव होती जा रही हैं, क्योंकि नए नए होटल्स मार्केट में आते जा रहे हैं। तो आप जब ग्रोथ में देखेंगे तो आपके लिए नए नए जॉब्स का अवेलेबिलिटी आती जा रही है। होटल इंडस्ट्री के लोग आजकल नॉट ओनली इन होटल्स, अदर इंडस्ट्री में भी प्रेफर करने जाने वाले लगे हैं, जहाँ पे भी कस्टमर बेस्ड इंडस्ट्री होती है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री से अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप कोई और मेंटेन नहीं कर पाता है। और होटल इंडस्ट्री में स्टाफ की इतनी डिमांड है कि अगले 5 साल तक भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी डबल खुलती जा रही है। आज मेरे सीडी में आप देखो 1500 होटल हैं, आज मेरे वहाँ सीडी में स्टाफ की इतनी कमी है, हर एक होटल का स्टाफ की कमी है। मेरे वहाँ सीडी में मैंने देखा है कि 2 होटल में जनरल मैनेजर खुद फ्रंट ऑफिस में बैठता है, स्टाफ नहीं है उसके पास। आज स्टाफ लोग डबल सैलरी पे लेके जाते हैं। तो ये इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि अच्छा लड़का, एफिशिएंट लड़का अगर दिल लगा के काम करेगा तो प्रोग्रेस में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगा। श्रद्धा इन होटल 3-स्टार होटल है और ये शिरडी के अंदर बाबा के मंदिर के बहुत ही नजदीक है। ये 3-स्टार होने के हिसाब से ऑल फैसिलिटीज, जैसे पिकअप ड्रॉप सर्विस गेस्ट के लिए है, इंटरनेट वाईफाई सर्विसेस है, प्ले रूम है, मेडिटेशन रूम है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, ऐसी फैसिलिटी सब हमने गेस्ट को दिया है। आज हम नंबर 1 है। वो हमारी दो जिसको बोलते एक स्पेशलिटी है, एक तो हम कस्टमर केयर करते हैं और दूसरा स्टाफ को हम कॉमर्शियल नहीं रखते, स्टाफ एक हमारा फैमिली मेम्बर है, तो ये हमारे 2 प्लस पॉइंट है। सनसन होटल 1962 में मिस्टर अडवाणी ने ओपन किया था मुंबई यूनिट में सबसे पहले। इस साल हम 50 साल उस होटल का मना रहे हैं। हमारे 4 यूनिट हैं ऑल ओवर इंडिया, सनसन मुंबई, सनसन पुणे, सनसन शिरडी, सनसन नागपुर। हमारे सभी यूनिट 100 रूम से ज़्यादा के हैं और सारे 5-स्टार होटल्स हैं। रूम में जाएंगे तो टी कॉफ़ी मेकर, मिनी बार, डायरेक्ट लिंक टू द एसटीडी, इंटरनेट एक्सेस, पब्लिक एरिया में 2-3 रेस्टोरेंट है, जैसे शिरडी यूनिट में हमारा इटालियन एंड इंडियन कुजीन चलता है, देन वी हैव द स्पा, फन जोन, सभी होटल फुली रिजॉर्ट टाइप का शिरडी यूनिट बनाया हुआ है। हमारे कोई भी एक रूम आप समझो तो एक रूम के पीछे कई डिपार्टमेंट लगते हैं। एक रूम के पीछे रूम सर्विस आएगा, हाउसकीपिंग आएगा, इंजीनियरिंग आएगा, F&B सर्विस आएगा, F&B प्रोडक्शन आएगा और फ्रंट ऑफिस आएगा। इतने सारे डिपार्टमेंट जब मिल के काम करता है तब एक रूम तैयार होता है और गेस्ट को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हर एक रूम में से कम आप एक दो आदमी ले लो तो एक रूम के पीछे हमको मिनिमम 5-6 आदमी लगते हैं। जहाँ तक स्टाफ का सवाल है तो टोटल स्टाफ मेरे वहाँ 115 टोटल स्टाफ है। सनसन शिरडी जैसे 120 रूम का होटल है तो हम लगभग 1.3 to 1.5 के रेशो में हम काम करते हैं। स्टाफ स्ट्रेंथ मतलब 150 से 180 के आसपास हमारे होटल में हमेशा लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें से स्टाफ लेवल पे मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होती है क्योंकि हम
हमारे यहाँ किचन में लगभग 30-40, सर्विस में लगभग 30, हाउसकीपिंग में लगभग 30, फ्रंट ऑफिस में लगभग 10, इस हिसाब से मेन ऑपरेशनल 4 डिपार्टमेंट में ही मैक्सिमम आपकी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम हर 3-4 महीने में अपनी स्टाफिंग अपडेट करते हैं और 8-10 लोगों का रिक्रूटमेंट हम लगभग करते ही हैं 3-4 महीने में। अभी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आईटी और एचओटी की रहती है, क्योंकि सबसे पहले एक स्टेज है आईटी, फिर एचओटी, फिर रेगुलर जॉब, फिर एक्सपीरियंस आता है, फिर कैप्टन होता है या सीनियर मैनेजर होता है या मैनेजर होता है। तो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है स्टार्टिंग लेवल पे, एंट्री लेवल पे, आईटी और एचओटी की है। ऊपरला लेवल पे इतना ज़रूरत ज़्यादा नहीं होता है, निचले लेवल में, एंट्री लेवल में बहुत ज़रूरत होती है हर एक डिपार्टमेंट में, हाउसकीपिंग में, F&B सर्विस में, F&B प्रोडक्शन में, फ्रंट ऑफिस में। आज प्रेजेंट जो मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है वो हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड F&B प्रोडक्शन के अंदर करीबन हर एक डिपार्टमेंट में 10-10 कैंडिडेट की है। तो ये इंडस्ट्री का सबसे पहले 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो इंग्लिश मस्ट, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज। अभी ऐसा नहीं है कि सब लड़के को इंग्लिश मस्ट और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मगर ये प्रिफरेबल है। समझो कि फ्रंट ऑफिस में अगर किसी को जाना है तो इट इज़ कंपलसरी है। जब अगर इंग्लिश नहीं आता है तो फ्रंट ऑफिस में वो रह नहीं सकता। बाकी के डिपार्टमेंट जैसे हाउसकीपिंग है, F&B सर्विस है, प्रोडक्शन है, तो उसके अंदर क्या है कि एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, इतना इंग्लिश तो उसको आना चाहिए कि गेस्ट क्या बोलता है और वो क्या समझता है। अगर उल्टा हो जाएगा, गेस्ट क्या बोलेगा और क्या समझेगा, तो वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए बाकी के डिपार्टमेंट में इंग्लिश का नॉलेज अंडरस्टैंड है इतना तो होना ही चाहिए, अगर आगे सीखता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। क्या जो गेस्ट डीलिंग आता है मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते ही है, तो अगर आप फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B हो गया, तो डेफिनेटली हम देखते हैं हम इन फ्रंट की थोड़ा सा वो अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छा हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल गेस्ट अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें एक कम्युनिकेशन, अगर मैं बैक एरिया किचन विचिन में हूँ तो मैं एक बार को इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं देखता हूँ, ज़्यादातर मैं उसका फिर काम देखना शुरू करता हूँ। जहाँ तक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी का सवाल है, एज फार एज एज इज कंसर्न मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा एजुकेशन का जहाँ तक सवाल आता है, प्लीज 12 पास या मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और जो अगर हॉस्पिटैलिटी का कुछ कोर्स किया है, शॉर्ट टर्म है या फुल टाइम है, तो उनको प्रेफरेंस जल्दी मिलता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में 2 टाइप के लोग आते हैं। एक एक्सपीरियंस वाला आता है जो कुछ सीख के आता है, कई लोग ऐसे है कि जो बिना सीख के आता है, ट्रेनिंग मतलब तरीके से आता है, और विद सर्टिफिकेट आता है, विदाउट सर्टिफिकेट भी आता है। तो अगर हमको जब सिलेक्शन करना है तो हम विद सर्टिफिकेट जो कोई आया है या 3 मंथ्स का है, 6 मंथ का है, तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ये मैंने जो 10th और 12th पास का जो आपको बताया वो प्रिफरेबल है, इट इज़ नॉट मस्ट, कंपलसरी ऐसा नहीं है, मगर प्रिफरेबल मतलब अगर वो है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। 8th पास होके अगर उसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे IT का है, कंप्यूटर का है, मगर बेसिक कंडीशन ये है कि 18 ईयर्स तो कंपलसरी चाहिए। अगर 8th पास है और 17 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, तो कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं लेगा। मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि सबसे पहला तो होम सिकनेस आता है। जो होम सिकनेस वाले लड़के हैं वो तो 1 मंथ में ही चले जाते हैं, और जिसको होम सिकनेस नहीं है, जो कहीं भी काम करने के लिए तैयार है, वो लोग 3 महीने के अंदर सेट हो जाते हैं। दूसरा आता है कि आजकल के लड़के को काम नहीं करना है और जल्दी पैसा लेना है, तो हार्ड वर्क का एक प्रॉब्लम आता है। सी ये इंडस्ट्री शिफ्ट वाइज चलती है, तो शिफ्ट में अगर जाना है, नाइट शिफ्ट में जाना है, तो फिर उनको तकलीफ होता है, जिसको बोलते हैं ना डेडिकेशन टू वर्क, वो नहीं है। तीसरा क्या है कि उनको कभी कभी एटमोसफियर सूट नहीं होता है। समझो कलकत्ता से आया, आसाम से आया और CD में आए, तो उनको एनवायरमेंट नहीं जमता है, वो लोग यहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ सेट नहीं होते, लोकल लोग के साथ मिल नहीं सकते, तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आता है। और हमारे वहाँ पूरा इंडिया का हर एक स्टेट का आदमी है जो एजुकेशन पूरा करके इंडस्ट्री में आते हैं। एजुकेशन का एनवायरमेंट अलग है, इंडस्ट्री का एनवायरमेंट अलग है, तो एनवायरमेंट में कभी कभी सेट नहीं होते हैं। अगर एक कोई भी लड़का लड़की जो भी आता है उसको अगर 1 महीना उसने निकाल दिया तो फिर वो सेट हो जाता है। कोई नई जगह ज्वाइन करता है तो उसके लिए बिल्कुल ही नया माहौल होता है और सब कुछ
बिल्कुल नया नया सा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग ज़रूर आती है हर किसी के लिए। मेरे को भी आई थी जब मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने जितनी बार ज्वाइन किया है धीरे धीरे एक दो महीने तीन महीने में बिल्कुल सेटलमेंट सा हो जाता है, और फिर वो जगह अपनी सी लगने लगती है, और ऐसा लगता है कि हाँ यही जगह है। जितना लंबा आप समय वहाँ पे बताएंगे उतना ही लोगों को जानने लग जाएंगे, उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मैन मेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट नेचर के काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को जानते लगते हैं वैसे उतना कंफर्टेबल होते जाते हैं, जैसे जैसे कंपनी पॉलिसीज़ को जानने लगते हैं कंपनी के साथ कंफर्टेबल होते जाते हैं। जैसे जैसे जितना लंबा समय आप काम करेंगे एक होटल में उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम सिलेक्शन करने बैठते हैं तो सीनियर लेवल पे हम बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत ही सब्जेक्ट का डीप क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो एंट्री लेवल के ऊपर हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एंट्री लेवल पे हम खास देखते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उनका ग्रूमिंग कैसा है, कैसा लड़का तैयार होके आता है, कैसा नहीं आता है, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसा नहीं आएगा तो फिर वो नेचुरली रहने वाला ही नहीं ग्रूमिंग में। उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब बात कॉन्फिडेंस लेवल पे जाती है। अगर गेस्ट कुछ पूछेगा और घबरा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका जो कन्विंसिंग पावर, क्योंकि कभी कभी क्या गेस्ट को कन्विंस करना पड़ता है, उसको कोई भी लेवल में हो गेस्ट को तो कन्विंस करना ही पड़ता है, तो कन्विंसिंग पावर भी हम उनके अंदर देखते हैं। दूसरा नॉलेज कितना उसका है, अगर एंट्री लेवल पे एक निचला लेवल पे उनको जो अंडरस्टैंडिंग है इतना अगर नॉलेज आता है तो फिर बाकी का तो हम ट्रेनिंग देके उसको ट्रेन कर देते हैं, मगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर ट्रेन तो हो सकता है, मगर समझो ये स्टूडेंट आएगा तो एक महीना लेता है, वो दो महीना लेगा, तो नॉलेज भी एक ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट का पूरा उसको होना चाहिए। दूसरा उनका हम जब बातचीत करते हैं ना तो उनका नॉलेज के साथ साथ हम बिहेवियर भी देखते हैं कि भाई कैसा बिहेवियर है, कैसा उसका एटीट्यूड है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी हम देखते हैं कि कौन से बैकग्राउंड से आता है, और जब बातचीत करते हैं तो उनका द वे ऑफ थिंकिंग हमको पता चल जाता है कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो उनका जो काम करने का विलिंगनेस है वो भी हम देखते हैं। कभी कभी मेरे इंटरव्यू में ऐसा आया है कि भाई मेरे पिताजी ने भेज दिया इसलिए मैं आ गया हूँ, ऐसा आंसर भी मुझे दिया है, तो हम विलिंगनेस भी देखते हैं कि भाई इनको रियली काम करना है कि ये टाइम पास करने के लिए आता है, वो हम ज़्यादा देखते हैं। ओवरऑल एक पैकेज देखते हैं उस आदमी में, उसकी ग्रूमिंग से लेके उसका बोल चाल का व्यवहार, उसका बात करने का तरीका, उसका मतलब काम करने की कितनी उसकी झील है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से वो आया है, मतलब इस सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं, उसके बाद उसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि वो हमारे लिए फिट बैठेगा या नहीं फिट बैठेगा। एजुकेशन वाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं। फ्रंट ऑफिस में हम ट्राई करते हैं होटल मैनेजमेंट पासपोर्ट किया हुआ आदमी ही हमारे यहाँ काम करे। FNB में हम ट्राई करते हैं कि लगभग 12th एंड अबव इस थिंग, देन हाउसकीपिंग में हम 8th से अबव हम ट्राई कर लेते हैं, हम लेना शुरू कर देते हैं। बेसिक हम ये देखते हैं नॉट ओनली द एजुकेशन, इट्स मोर कि हमारा उसका आदमी का एटीट्यूड सही है, हार्ड वर्किंग हो, आगे हमारे लिए हमारे साथ 2-3 साल के लिए काम कर सके, ये मिला जुला हम उसको नॉट ओनली एजुकेशन के हिसाब से एक मिला जुला एक देखते हैं। ग्रूमिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप जब जा रहे हैं तो आप तो सामने वाला जो आपको पहली बार देख रहा है उसके लिए आपको पसंद करना ना पसंद करना है, एक बार आपकी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैसे अपने आप को वेल ग्रूम्ड होके जाते हैं या फिर आप बिना कॉम करे चले जाएं तो डेफिनेटली सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा। बिना प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाएं या कुछ भी पॉलिश शूज नहीं जाएं, केवल स्लीपर में चले जाएं, तो जो आप पहली बार जिससे मिल रहे हैं, जिससे आप सोच रहे हैं कि जॉब में मुझे जाना है, डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दें। जब स्टूडेंट को इंटरव्यू में जाना है 2-3 चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। एक तो उनका एकदम ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, दूसरा उनके साथ उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सब रखना चाहिए, तीसरा इंटरव्यू में जाने से पहले जो सब्जेक्ट का उसने डिग्री लिया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो सवाल आएंगे उसका सब्जेक्ट का ही आएगा,
इंटरव्यू में फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब इंटरव्यू हॉल में आप एंट्री करते हैं तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपको एंट्री करना है, जिसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बड़ा कॉन्फिडेंट वाला लड़का है। थर्ड, आंसर जब देते हैं आप तो जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें ब्लफ करना नहीं है, सीधा आप बोल दो कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। जब आप इंटरव्यू में भी गलत जवाब देते जाओगे तो सामने वाला इतना तो इंटेलिजेंट है कि आप गलत बोलते हैं वो समझ जाता है। तो इंटरव्यू में कभी भी गलत नहीं बोलने का, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देने का। आप सीधा बोल सकते हैं कि सर आई डोंट नो, तो उससे क्या होता है कि आपका इम्प्रेशन और अच्छा रहेगा कि भाई ये चलो ये समझता नहीं है या आता नहीं है, तो उसने कन्फेस कर दिया कि भाई मुझे नहीं आता है। अगर आप सवाल पूछते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से पूछ सकते थे, मगर उल्टा जवाब दोगे तो सामने वाला ऐसा समझता है कि भाई ये जानबूझ के हमको घुमाना है, हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर उसको आता नहीं है इसलिए हमको दूसरी जगह पे ले जा रहा है, तो वो भी एक रॉन्ग इम्प्रेशन आपका पड़ता है। कभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप मैनिपुलेट मत करो। हमने देखा है कई लोग मैनिपुलेट करके आते हैं, पे स्लिप में तो खास मैनिपुलेट करके आते हैं। तो जब हम किसी को लेते हैं तो हम क्रॉस टेल भी करते हैं, दूसरी तीसरी जहाँ से आया वहाँ से हम पूछ लेते हैं, तो हमको पूरा पता चलता है। जब रहने के बाद अगर हमको पता चलता है कि इसने डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेट किया है तो फिर हम उसको इमीडिएट निकाल देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कभी भी मैनिपुलेट मत करो, जो भी है आप सामने दिखा सकते हैं सही है गलत है, तो उसके ऊपर से इंटरव्यू लेने वाला सब समझ जाता है, क्योंकि लेने वाला तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला होता है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको तो एक कागज आप दिखाओगे पता चल जाएगा ये गलत या सही है। तो मैनिपुलेशन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हो कभी मत करो, कॉन्फिडेंस से जवाब दे दो। फैमिली बैकग्राउंड में जब फैमिली बैकग्राउंड का पूछता है तो जो जो सही है वो बता दो आप, उसमें भी कई लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो उनके बाद जब हम फैमिली हिस्ट्री निकालते हैं तभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलता है। हम फैमिली हिस्ट्री इसलिए पूछते हैं कि बैकग्राउंड देखते हैं कि ये लड़का कहाँ से आता है, कौन से फैमिली से आता है, क्या करता है, उसके ऊपर से हमको पता चल जाता है कि ये लड़के का लेवल क्या है। तो ये भी हम एक ध्यान रखते हैं। एंट्री होती है तो आप जो दिन है रात है जो बोलना है भाई गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी बोल के आप आने से पहले परमिशन ले लो, आप बैठने के बाद पहले पूछ के बैठो या सामने वाला जब तक नहीं बोले तब बैठो ही मत, दैट इज़ द बेस्ट। या आप अगर ज़्यादा टाइम खड़ा रखा तो पूछ के बैठ सकते हैं, दैट इज़ अनदर ऑल्टरनेट। मगर सामने वाला जब तक आपको बोलता नहीं तब वो जानबूझ के नहीं बोलता है, वो आपका रीडिंग करता है कि ये लड़का क्या करता है। मैं कभी कभी इंटरव्यू लेने जाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ उसको बैठो आप, मैं देखता हूँ कहाँ तक खड़ा रहता है, क्या करता है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो आपका इंटरव्यू में टाइम में जो जो एटीट्यूड है वो सब ध्यान रखता है। आपको लगता है वो सामने वाला देखता है नहीं, मगर सामने वाला सब ईच एंड एवरी एटीट्यूड देखते हैं। हम सीनियर लेवल पे तो उनको चाय पिलाते हैं, बिस्किट देते हैं, और कैसे चाय पीता है और कैसे बिस्किट खाता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका हर एक एटीट्यूड एंट्री पॉइंट से आप जब जाओ वापस इंटरव्यू दे के, हर एक चीज़ आपका एटीट्यूड ऑब्जर्वेशन में होता है, और वो जब ऑब्जर्वेशन में सक्सेस हो जाता है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं आप, 5-10 मिनट के लिए आप अपने आप को इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने आप को जब भी अपना प्रेजेंटेशन दे पाएँ, जितना प्रेजेंटेशन दे पाएँ, आपकी ग्रूमिंग हो गई, आपका बातचीत करने का तरीका हो गया, बैठने का तरीका हो गया, काम के आप उसमें कुछ काम ही को शो कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा दिखना चाहिए, आप रेडी दिखने चाहिए किसी भी हद तक जाने के लिए अपने काम के लिए, ये सब तरीके आपको दिखाने हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी आप मिसिंग करते हुए दिखाते हैं, आप बिना ग्रूमिंग करे चले जाते हैं, आप प्रॉपर शूज़ प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं, आप दिखाते हैं कि हम मेरे को मतलब मेरी प्रायोरिटी कुछ जॉब से ज़्यादा भी कुछ और है, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो वो सब चीज़ें इंटरव्यू लेने वाले के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको देखना कि मैं कैसे इसको सेलेक्ट करूँ, कल मेरे को जब ज़रूरत होगी तो ये ज़्यादा इसकी प्रायोरिटीज कहीं और होंगी। 5-10 मिनट में जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरियर, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे अपना कैरियर, तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखानी है। आप अपना पूरा बायोडाटा बनाइए, उस पर अपनी फोटोग्राफ लगाइए, उसमें अपनी सारी नाम फैमिली बैकग्राउंड अपनी सारी स्टडीज़ कहाँ कहाँ से करी है, क्या क्या आपकी नॉलेज है, क्या क्या आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सारे अपने सर्टिफिकेट उसके पीछे लगाए और पूरी एक फाइल प्रेजेंट करिए अपने इंटरव्यू के सामने, वही आपका टोटल पैकेज है। तो डॉक्यूमेंट्स का अंदर आपको
इंटरव्यू में जाने से पहले तैयारी ये करना है कि सबसे पहले तो आपका दो फोटो चाहिए प्रेस, उसके बाद आपका रेसिडेंट प्रूफ लें। रेसिडेंट प्रूफ के अंदर आपका कुछ भी चलेगा, वोटिंग कार्ड चलेगा, लाइसेंस चलेगा या राशन कार्ड चलेगा। उनके बाद आपका जो जो क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको साथ में रखना है। दूसरा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है आपका, वो उनका सर्टिफिकेट रखना है। आपका कोई एक्स्ट्रा कोर्स है या स्पेशल कोर्स किया है वो भी आपको साथ में रखना है। अकेला वो नहीं रखना है, ओरिजिनल के साथ आपको एक एक जेरोक्स लेना है और जेरोक्स अटेस्टेड करके लेना है या तो अपना खुद का अटेस्टेड करना है ताकि आपको उस टाइम की कोई तकलीफ नहीं हो जाए। तो अगर कॉलेज थ्रू जाते हैं तो रेफरेंस में कॉलेज का लेटर चाहिए या लोकल लेवल पे दो रेफरेंस चाहिए, क्योंकि आजकल बिना रेफरेंस का नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि अनजान आदमी को कोई रखता नहीं, कौन कैसा आया क्या नहीं आया। तो आपको दो रेफरेंस का भी लेटर साथ में रखो, इतना अगर आप साथ में रखते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। कॉलेज में तो दो चार पीरियड लगाया फिर फ्री हो जाएगा, यहाँ तो उसको 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट भी उसके लिए थोड़ा तकलीफ वाला हो जाता है। वो तो सोचेगा जब बाहर निकला तब तो सोचेगा अभी मैं जाऊँगा मुझे गाड़ी मिलेगी, केबिन मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, वो सब इससे इमीडिएट मिलता नहीं है, तो इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तो हार्डवर्क शुरू से ही घबरा जाता है, तो वो अगर 3 महीने में उसका सेट हो गया तो फिर कोई तकलीफ आता नहीं। अभी आज के ज़माने में जो जैसा गवर्नमेंट में है 1 पंच 2 लंच, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ आप काम करोगे तो रिवॉर्ड इमीडिएट मिलता है, गवर्नमेंट में काम करोगे या नहीं करोगे हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहता है। यहाँ ऐसा ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, यहाँ तो जैसा काम करोगे आपको रिवॉर्ड इमीडिएट मिल जाता है, तो यहाँ आपको हार्ड वर्क चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जब मैं मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मेरे को लगता था कि कंपनी मेरे लिए, मतलब ये सब मुझे कंपनी के लिए करना है, बट मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अपने कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, और जितना मैं मेहनत करूँगा उतना मैं आगे बढ़ूँगा। तो उसी हिसाब से जब जैसे जैसे थिंकिंग चेंज होती है आदमी उसी हिसाब से अपना जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप एटीट्यूड ले रहे हैं, जितना आप एफर्ट ले रहे हैं, जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसी से आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके हार्ड वर्क से कंपनी भी आगे बढ़ रही है। मेरे वहाँ स्टाफ का जहाँ तक सवाल है वहाँ इतने कमर्शियल नहीं है, हमने एक होमली एटमोसफियर बनाया है। हम ऐसा सोचते कि जब स्टाफ काम पे आता है तो टेंशन के साथ आएगा तो क्या काम करेगा, और बार बार हम उसको बताते रहेंगे तो क्या काम करेगा। तो हमने एक हमारा अलग थिंकिंग है, हमने एक होमली एटमोसफियर बनाया है तो जिसकी वजह से स्टाफ बिना टेंशन का काम कर सके। दूसरा है कि हम हर एवरी मंथ एक स्टाफ पार्टी रखते हैं, वो स्टाफ पार्टी के अंदर हम जो लड़के लड़की ने जो स्टाफ ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिसिएशन एक लेटर देते हैं और 501 रुपया 501 वो एक इनाम के तौर पे देते हैं। ये दिस इज वन टाइप ऑफ मोटिवेशन, एक मोटिवेशन है। तो 12 महीने ऐसा हम हर एक मंथ पार्टी करके बाद में एंड ऑफ द ईयर बेस्ट जो है सबसे बेस्ट उसको एक अलग इनाम देते 5001, तो वो एक मोटिवेशन हो गया। दूसरा हम रेसिडेंट फ्री देते और मील भी फ्री होता है, मॉर्निंग टी दोपहर का टी लंच डिनर सब फ्री होता है। स्टाफ क्वार्टर में हमारा 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, 24 आवर्स पानी का अरेंजमेंट है, तो वो एक हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। स्टाफ का जो फैमिली का प्रॉब्लम है या उनको कभी एडवांस चाहिए सैलरी तो हम वो भी दे देते, कभी बीमार हो गया तो मेडिकल भी हम पूरा देते हैं। हॉस्पिटल में अगर दाखिल करना है तो हमारा आदमी हॉस्पिटल में भी जाके उनको दाखिल करके हम एडवांस पैसा भी दे देते हैं। तो वी आर टेकिंग केयर एज अ फैमिली मेंबर। जब भी हम किसी सनसेट होटल में किसी को रिक्रूट करते हैं तो हमारे यहाँ कंपनी ने स्टाफ के लिए अकोमोडेशन बनाया हुआ है जहाँ पे वो रह सकते हैं, हम खाने में उनको फ्री मील्स देते हैं, ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी बोथ मील्स रहती हैं हमारे यहाँ, और धीरे धीरे मतलब समय समय पे उनके लिए थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ चालू रहती हैं, कुछ फंक्शंस चालू रहते हैं स्टाफ रिलेटेड, जिससे उनका मनोबल हमेशा आगे बढ़ा रहे टुवर्ड द गेस्ट। और लड़की के लिए हम एक अलग सा एक रूम बनाए हैं सेपरेट सेफ्टी के लिए, और उसके लिए हमने अलग एक वॉचमैन की भी व्यवस्था की है कि लड़की के रूम के अंदर आजू बाजू कोई लड़का जाएगा नहीं, तो लड़की हमारे वहाँ टोटल सेफ है। होटल में अगर लड़की को रात को
लेट हो गया 9 बजे के बाद, तो हमारा गाड़ी उसको छोड़ने जाता है, उसके साथ एक वॉचमैन जाएगा और एक ड्राइवर जाएगा गाड़ी में, उनको छोड़ के वापस आएगा। तो लड़की का हम स्पेशल ध्यान इसलिए रखते हैं कि उनके माँ बाप हमारे भरोसों पे छोड़ के जाते हैं, तो ये हमारा जिम्मेदारी है उसको ध्यान रखने का। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हाउसकीपिंग वाला फ्रंट ऑफिस में आगे नहीं आ सकता या फ्रंट ऑफिस वाला कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। मेरे वहाँ 2 केस ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ कि मेरा फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो ITI पास हुआ है, फिर भी आज वो फ्रंट ऑफिस है। ये दोनों फील्ड टोटली अलग है, एक इंजीनियरिंग स्किल है और एक फ्रंट ऑफिस का है, फिर भी वो आज हमारा अच्छा सामान है। दूसरा केस है, मेरे वहाँ एक लड़की FNB की है, फ्रैंकफर्ट में से आई थी, वो बोली मुझे सर फ्रंट ऑफिस में जाना है। मैं बोला क्यों जाना है? बोले फ्रंट ऑफिस का सैलरी ज़्यादा होता है। मैं बोला फ्रंट ऑफिस का सैलरी इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, आप वो सीख लो मैं आपको दे दूँगा। तो वो तैयार हो गई, उसने दे दिया, तो आज मेरे वहाँ वो सेकंड इन कमांड में है वो लड़की, और पूरा फ्रंट ऑफिस संभालती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट में पढ़े वो भी उसमें भी आगे आ सकते, आपका इंटरेस्ट अलग होता है तो उसमें भी आप आगे सकते, मगर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप आगे आ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ काम करते करते पढ़ाई भी कर रहे हैं, और वो हमें टाइमली इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू वो करते रहते हैं, और हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ और पढ़े और वेल अपनी नॉलेज बढ़ाए, और हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। पर्सनली अगर उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो हम एक स्पेशल केस पर कभी कभी वो भी करते हैं, डिफरेंट अकाउंट की हमें मालूम रहना चाहिए कि इसका अभी 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उसी हिसाब से हम उनके लिए वेल प्लान्ड लीव अप्लाई करवा देते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक सेक्शन बना के रखते हैं। और ये हम प्रमोट करना चाहते हैं कि स्टाफ हमारे साथ काम करे और पढ़ाई भी करता रहे, अगर उनको अगर पढ़ाई करने का शौक है डेफिनेटली। अगर आपको जिंदगी में आगे आना है तो 2 चीज का ध्यान रखो, एक तो नेवर से नो, कभी भी कोई काम की ना मत बोलो, क्योंकि व्हेन यू आर टेलिंग नो दैट मीन्स यू आर गिविंग चांस टू अदर। अगर जब आप ना बोलते हैं तो आप किसी और को चांस दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी को तो काम करवाना ही है, आप ना बोलेंगे तो दूसरे से करवाएंगे। नंबर 2, आपकी डिक्शनरी में से बाद में पछी या लेटर ऑन वो काम करेंगे, वो बात ही निकाल दो, वो वर्ड ही निकाल दो, अभी का काम अभी करो, अभी फिनिश करो। अगर ये 2 चीज़ आप बराबर ध्यान रखोगे तो आपके प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी चीज़ के लिए आपका एटीट्यूड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप काम करने लगते हैं वैसे वैसे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे नॉलेज आने लगती है बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आपका बुकिश नॉलेज आपका मतलब वर्किंग नॉलेज दोनों का मिक्सचर जब आप होता है तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, माइट बी इनिशियली आपका बहुत थोड़ा लो क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया, लेकिन एटीट्यूड आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को हार्ड वर्क करना है, मेरे को अपनी लाइफ में काम में बड़ा अच्छा महत्व देना है और बहुत ही आगे जाना है अपनी लाइफ में। देखो 5 साल पहले ऐसा था कि होटल इंडस्ट्री मतलब वेटर, उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं था। अब माँ बाप को बोलेंगे होटल इंडस्ट्री में जाना है सीखना है, बोले नहीं नहीं वेटर नहीं बनने का है, तो वो कंसेप्ट आज नहीं है। आज इनका एक अलग स्टेटस है होटल इंडस्ट्री का, और ग्रोइंग बहुत है। और जहाँ तक एफिशिएंसी का सवाल है तो आप अपने एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रिस्पेक्टेबल फन और ऐसा इंडस्ट्री जो है तो होटल इंडस्ट्री है। तो मैं भी एक और माँ बाप की तरह, मैं भी माँ बाप में मतलब मैं भी पिताजी हूँ। जब मेरे लड़के ने मैंने लड़के को भेजा था कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए, उसने अमेरिका में जाके मुझे बताया बिना होटल इंडस्ट्री में एडमिशन ले लिया। तो मैंने उनको उसी टाइम यही सवाल किया था, बेटा तेरे को अगर होटल में वेटर ही बनना था तो मैंने 10 लाख खर्चा क्यों किया, मैं तेरे को इंडिया में भी बना देता। तो उस टाइम मेरा भी एक कंसेप्ट ऐसा था, और मेरी लड़की आज हिल्टन होटल में लंदन में FNB मैनेजर है, और मैं खुद ही आज जनरल मैनेजर होटल इंडस्ट्री में। तो होटल इंडस्ट्री में तो अभी काफ़ी लोगों को आना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है और इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। आपको जब पैसे का सवाल है तो पैसा आपको बहुत ही मिल सकता है इसके अंदर। तो मेरा तो सब माँ बाप को इतना विनंती है, रिक्वेस्ट है
कि आप अपने लड़के को होटल इंडस्ट्री में डालो। होटल इंडस्ट्री और वेटर वो कंसेप्ट खत्म हो गया, वो आज के जमाने में वो कंसेप्ट नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट को इंडस्ट्री में आगे आने का सवाल है, मेरा कहना ये है कि होटल इंडस्ट्री में दो पोस्ट सबसे बड़ी है, एक तो एक ओनर और दूसरा जनरल मैनेजर। तो जब एंट्री लेवल पे स्टूडेंट होता है जब दाखिल, तो उनको गोल रखना है कि भाई मुझे जीएम बनना है या मालिक बनना है। जब तक ये बड़ा गोल नहीं रखेगा तो उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए एक हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन टू दी वर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, टाइमिंग चाहिए, ग्रूमिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन लिया है उनके साथ आईक्यू मिला के खुद का जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। काम तो सब लोग करते हैं, मगर जो लोग स्मार्ट काम करते हैं ना वो आगे जल्दी आ जाते हैं। सभी स्टूडेंट को एक लास्ट एडवाइस दूंगा कि जो भी करें बिल्कुल दिल से मेहनत लगा के और अपना पूरा 100% डेडिकेशन से जो भी काम कर रहे हैं वो करें। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करियर के लिए करिए, बाकी सारी प्रायोरिटी अपनी जिंदगी में सेकंड रखिए। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, और आप सब इसके ऊपर सोचो, विचार करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। आप जितने आगे बढ़ेंगे हमको इतना सेटिस्फेक्शन होगा, और आपको कहीं भी कोई भी स्टेज पे हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, हम आपको गाइडेंस देने के लिए कभी भी तैयार है। हमारा एड्रेस ले लीजिए आपके संस्था में से, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।